Now, solution number 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the side of the field. ये हमने एक रेक्टेंगल दे दिया, नाम दे दिया ए बी सी डी। क्या कहा उसने कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टेस्ट साइड से, तो शॉर्टेस्ट साइड ये होगी, तो ये हो जाएगा 60 प्लस एच। और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है, ये 30 मीटर ज्यादा। तो लेट एक्स मीटर बी द शॉर्टर साइड, तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 और डायगोनल कितना हो जाएगा एक्स प्लस 6। इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एंगल 90 डिग्री है तो हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 60 प्लस एच का होल स्क्वायर, ए बी हो जाएगा एच प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना हो गया एच स्क्वायर 120 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक एक्स स्क्वायर से ये कट गया, तो इसको इधर ले जाए हम तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस टी एक्स हो गया, इसको इधर ले जाए माइनस 270 तो कितना आ जाएगा, ये फैक्टर 90 और 30, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लिया x माइनस 90, तो क्या फैक्टर बन गए इसके, सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन इसका निकल के आएगा फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 90, दूसरा एक्स इक्वल टू माइनस 30 जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ कह रहा है। तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी, ब्रेथ हो जाएगी 90 मीटर और लेंथ कितनी हो जाएगी 90 प्लस 30 120 मीटर, बहुत आसान। और डायगोनल कितना हो जाएगा, जो भी आंसर पूछिए 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 115 मीटर। उसने पूछा है फाइंड द साइड्स ऑफ ए फील्ड, तो ये और ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, दो नंबरों के स्क्वायरों का डिफरेंस 180 है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर टू नंबर, बहुत आसान। लेट सॉल्यूशन नंबर 7 में लेट हमने मान लिया द स्मॉलर नंबर बी एक्स और लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, लार्जर नंबर इज इक्वल टू वाई। क्या कहा उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि उनका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या कहता कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 इंटू लार्जर नंबर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 वाई इक्वेशन नंबर, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1। इसे कहाँ पुट कर देंगे हम,
इक्वेशन वन में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस एट वाई इज इक्वल टू 180, तो वाई स्क्वायर माइनस एट वाई माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर क्या देंगे इसके, 10 और 80 डी आई पी। यहाँ से आप खुद सॉल्व करेंगे, प्लीज नाउ सॉल्यूशन नंबर 8। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी एंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ ए ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो टाइम टेकन कितना हो गया, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 360 अपॉन एक्स। नाउ अब न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो टाइम टेकन कितना हो गया, टाइम टेकन इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, कह रहा है कि 5 1 आवर लेस हो जाता है, इसका मतलब ये टाइम कम है और ये ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगा। तो अब क्या ले सकते हैं हम इसका एल्शियम, एल्शियम हो जाएगा एक्स और एक्स प्लस 5, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5। यहाँ से हमने 360 कॉमन ले लिया, तो 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसमें से हमने 360 तो कॉमन ले लिया, माइनस कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 360 एक्स प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें और इसमें मल्टीप्लाई, 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे फैक्टर करके देखते हैं इसके, तो फैक्टर हो जाएगा कितना आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लिया एक्स प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लिया एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 40 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 45, ये हो नहीं सकता। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर आंसर, प्लीज लिख लो। नाउ सॉल्यूशन नंबर 9। टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 and 3/8 आवर, द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। एक टैंक को भरने के लिए दो टैप लगाए गए हैं, एक का डायमीटर बड़ा है दूसरे का छोटा है, और वे उस टैंक को भरने में 9 hours and 3/8 hours का समय लेते हैं। जो बड़े डायमीटर है वो 10 मिनट कम समय लेता है छोटे वाले टैप जिसका डायमीटर कम है। तो चलिए शुरू करें इसे, लेट द टाइम टेकन
by the larger type या smaller type, जो भी आप मानना चाहें, smaller type is equal to x hour हो गया, तो time taken by the larger is equal to कह रहा है कि 10 घंटे कम लेता है वो, तो ये हो जाएगा x minus 10 hour. अब क्या कहा उसने कि in 1 hour, 1 hour smaller tap can fill, smaller tap जो है, जो smaller tap है वो fills 1/x part of a tank. इसी तरीके से इन 1 hour में, पहले हमने क्या किया, ये एच घंटे में, ये एच माइनस 10 घंटे में शुरू करता है, तो अब 1 घंटे में कितना पार्ट भर रहा है ये निकाल रहे हैं. लार्जर टैप कैन फिल 1/x-10 पार्ट ऑफ ए टैंक. बोथ can fill the tank in 1 hour. 1 hour में कितना भरेंगे? 1/x + 1/x-10 पार, 1 घंटे. लेकिन उसने ये क्या कहा, उसने ये कहा है कि 9 3/8 hour. तो both can fill the tank, वही लिख देता हूँ यहाँ पर, both means दोनों can fill the tank in 9 3/8 is equal to 75/8 hour is equal to, 1 घंटे में इतना भरा तो इसमें कितना भरेगा, tank हमारा full हो गया. इसका मतलब according to question क्या हो जाएगा, 75/8 1/x + 1/x-10 is equal to 1 का मतलब है कि काम कंप्लीट हो गया. तो अब कितना बनेगा इसका, चलो ले लो इसको इधर ले जाए हम, तो ये हो जाएगा x-10 + x / x और x-10 is equal to 8/75, तो दोनों जुड़ जाएंगे 2x-10 x²-10x is equal to 8/75. Cross multiplication, 150x - 750 is equal to 8x² - 80x हो जाएगा. माइनस क्या हुआ, 80x हो गया. अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8x² - 80 है ना, इसको इधर ले जाएं, -230x और +750 is equal to 0 हो जाएगा. तो अब इसे क्या करें, हम 2 से डिवाइड कर दो, 4x² - 115x + ये आ जाएगा 375 is equal to 0. उसने क्या कहा, उसने कहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय सेपरेटली कितना वो करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 4x² - 100x और -15x 375 is equal to 0. इसमें से 4x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 4x कॉमन लिया हमने तो इसमें कितना हो जाएगा, x-25. माइनस के 15 कॉमन ले लें तो x-25 is equal to 0. तो यहाँ से आ जाएगा x-25 और दूसरा आ जाएगा 4x-15 is equal to 0. तो x is equal to 25 और x is equal to 15/4. ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो दिया 15/4 ये तो 10 से भी कम है, हमने तो स्मॉलर माना ना, x को इसमें से 10 घटाना है, तो ये टाइम नहीं हो सकता. उसने क्या कहा है, उसने पूछा फाइंड द टाइम इन विच Each tap,
ईच टैप कितने समय में उसे भर देगा। तो स्मॉल आर टैंक सॉरी स्मॉल आर टैप कैन फिल इन 25 आवर एंड लार्जर टैप कैन फिल इज इक्वल टू 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर। दैट इज आंसर। एक आंसर हो गया और दूसरा आंसर हमारा प्लीज मेटेड। नाउ सॉल्यूशन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर टू एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू ए कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। लेट हमने मान लिया यहां पर लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। तो द स्पीड ऑफ कौन सी ट्रेन है दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू एक्स प्लस 11 हो जाएगा। उन्हें उसने कहा ना 11 किलोमीटर मोर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहां पर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 132 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाई द पैसेंजर ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लिया गया 132 अपॉन एक्स हो जाएगा। और टाइम टेकन बाई द एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा 132 अपॉन एक्स प्लस 11। ये टाइम कम ले रही है ये ज्यादा ले रही है। उसने क्या कहा अब उसने ये कहा कि 1 घंटा का डिफरेंस हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये कहा है कि इनटू इतने 1 आवर लेस लेती है ये इससे 1 घंटा कम लेती है। तो 132 1 घंटा कम ले लिया माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 132 कॉमन ले ले तो 1/x माइनस एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1 यह आ जाएगा 132 एक्स प्लस 11 माइनस एक्स अपॉन एक्स और एक्स प्लस 11। बहुत क्वेश्चन कर चुके हम इस तरीके के। तो दिस इज कैंसिल ये कितना आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा ये 2541 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। That means ये हो जाएगा x square plus 11x minus 1452 is equal to 0। अब हम इसे break कर देंगे। कैसे करेंगे x square plus 44x minus 33x minus 1452 is equal to 0 इसमें common है x plus 44 32x plus 44 is equal to 0 यह जाएगा x प्लस 44 और यह जाएगा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो x डज नॉट इक्वल टू तो माइनस 44 हो नहीं सकता तो x इज इक्वल टू 33। x क्या माना था हमने वो कह रहा दोनों की स्पीड बतानी है। तो यहां पर आ जाएगी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 33 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। दैट इज योर आंसर प्लीज।
Now, last solution of this exercise. Solution number is given. It is very easy. है. Sum of the area of two squares is equal. Let हमने मान लिया x and y be the side of the squares. दो स्क्वायर है, एक की साइड एक्स और दूसरे की वाई है. तो क्या गिवन है इस यहाँ पे कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 6, 8. इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरिमीटर, तो डिफरेंस ऑफ देयर पेरिमीटर हमने मान लिया एंड एंड वाई या एक्स ही ले लो, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो कितना हो जाएगा यहां पर 4x-4y इज इक्वल टू पहले का पैरामीटर ही दूसरे का इज इक्वल टू 24. तो 4 से डिवाइड कर दें, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6. इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू 6 प्लस वाई पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, यहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई का तो होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 6, 8. ये हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 6, 8. ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y और इसको वो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4, 30 इज इक्वल टू 4, 32. तो 2 से डिवाइड कर दिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0. अब हम इसे फैक्टर से सॉल्व करेंगे, तो क्या फैक्टर बनेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y इज इक्वल टू सॉरी हो जाएगा माइनस 8, 216. तो y कॉमन ले लें, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लिया, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0. तो क्या आंसर आएगा यहाँ से, y प्लस 18 और दूसरा आ जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू माइनस 18 एंड y इज इक्वल टू 12. ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता. तो अब x माइनस 12 इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, x माइनस 12 इज इक्वल टू 6. तो x कितना हो जाएगा यहाँ पर 18. तो साइड्स ऑफ टू स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 18 मीटर एंड 12 मीटर. दैट इज योर आंसर. प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.3 आपकी कंप्लीट हुई. प्यारे बच्चों, सभी वीडियोज की जो प्लेलिस्ट है वो बनाकर यूट्यूब पे डाल दी गई है, आप वहां पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं और अपने जो टॉपिक है उनको क्लियर कर सकते हैं. और हाँ प्यारे बच्चों, आपकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Jai Hind, Jai Bharat. 1, 2, 3, come on!